अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। अब मशरूम को भी 2 मिनट इसको अच्छे से इसमें मिलाएंगे ताकि जो हमारा मशरूम है ये अच्छे से कुक हो जाए। मशरूम तो प्याजा बनाने के लिए हमने यहाँ पे चॉप चिली कर ली है, गरम मसाला कर लिया है और जीरा पाउडर है, हल्दी पाउडर है, बेगी मिर्च है और धनिया पाउडर है और ये है बेबी ऑनियन जिन्हें हमने काट के इन्हें अच्छे से खोल लिया है। ये हमने धनिया पाउडर है हमारा और ये है हमारा चॉप कटा हुआ धनिया और हमने ये मशरूम लिए 2 पैकेट और 4 से 5 टमाटर की प्यूरी बना ली है और ये हमारा 6-7 दाने प्याज के बारीक कटे हुए। अब शुरुआत करते हैं हमारे मशरूम दो प्याजा बनाने की। हमारा लगन गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम ऑयल। ये सरसों का तेल हम यूज कर रहे हैं जी। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम खड़े मसाले। ये मैं डालने जा रहा हूँ इसमें सिनेमन स्टिक और ये है बेलीफ, 3 से 4 मैंने बेलीफ के पत्ते डाल दिए हैं। ये हमारा बारीक कटा हुआ लहसुन और ये जूलियन जिंजर। अब हम इसमें डालेंगे चॉप कटी हुई ग्रीन चिल्ली। हमारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं, 4 से 5 दाने प्याज के काटे हुए थे, अब हम इसमें वो डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है, देखिए इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बढ़िया सा डार्क ब्राउन कलर आ गया है जी। तो इसमें हम डालेंगे अब बेबी ऑनियन जो हमने 1/2 में काटे थे। अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। अब मशरूम को भी 2 मिनट इसको अच्छे से इसमें मिलाएंगे ताकि जो हमारा मशरूम है ये अच्छे से कुक हो जाए। अब हम शुरुआत करते हैं मसाले डालने की। ये कसूरी मेथी है, 1 से 2 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। ये जीरा पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून हम इसमें जीरा पाउडर डाल रहे हैं। ये गरम मसाला है, 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1 से 2 पिंच हम इसमें हल्दी डालेंगे। 2 चम्मच इसमें तेजी मिर्च पाउडर डालेंगे और 1.5 चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम जो टमाटर प्यूरी हमने बनाई है इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। हमारा मसाला अच्छे से मशरूम में चिपक चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। इसमें डालेंगे हम अब टमाटर प्यूरी। इसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। शेफ, मशरूम तो काफी जल्दी पक जाते हैं, तो अभी हमने टोमेटो प्यूरी डाली है, तो अब आप इसको और कितने देर तक पकाएंगे? हम इसे हम अभी 5 से 10 मिनट और पकाएंगे और हमारी जो डिश है ये मशरूम दो प्याज है ये तैयार हो जाएगी। बहुत बढ़िया कलर देखो, वाह गाइस, दिस इज अमेजिंग। हमने 2 से 3 मिनट इसको टमाटर को अच्छे से पका लिया है। अब जो टमाटर का खट्टा पानी है वो अच्छे से सूख गया है इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब डालेंगे हम इसमें काजू और मगज की जो हमने बराबर क्वांटिटी में हमने पेस्ट बनाया था, 3 से 4 चम्मच पेस्ट। अब इसे अच्छे से पकाएंगे। जब ये हमारा अच्छे से पक जाएगा तो हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है मशरूम की। वेजिटेरियंस का प्यार मशरूम, बहुत ही अच्छा कलर टेक्सचर और बहुत यमी दिख रही है। शेफ, इसको और कितनी देर तक हम पकाएंगे? इसे 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। अभी हमने 3 से 4 मिनट इसको पका लिया है, इसका ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। अभी हम इसमें गार्निशिंग करेंगे। 3 से 4 चम्मच हम इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया दिख रही है शेफ। और इसे हम गार्निशिंग करेंगे धनिया के साथ। तो हमने इसमें धनिया डाल दिया है। बढ़िया जो डिश है इसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा आ रहा है।
बहुत ही बढ़िया। तो गाइस टैग करो उस अपने फ्रेंड को जिसको ये मशरूम की सब्जी बहुत पसंद है, और बनाओ, और झटपट बनने वाली रेसिपी है, और इसको एंजॉय करो।